हाय गाइस, प्रो ऑर्गेनिक के नए हेल्थ एपिसोड में आपका स्वागत है। आई एम योर फ्रेंड ताबिश और आज की इस वाली वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ गूगल के बारे में, जिसको हम आम लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में गोंद बोलते हैं। अगर आप गूगल के बारे में नहीं जानते हैं तो ये देख सकते हैं गूगल इस तरीके का दिखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना, अंत तक देखना, तभी आपको पता चल पाएगा कि जो गूगल होता है उसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं और किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल पाए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं गूगल के बारे में। तो जो गूगल होता है वो गमी लाइक सब्सटेंस है। बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है उसमें यूज़ किया जाता है, बहुत सारी रेमेडीज़ होती है उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गूगल होता है वो बहुत सारी बड़ी बड़ी जो बीमारियाँ होती हैं, डिसीजेज होती हैं, उनको ठीक करने में भी इसको यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे जो हर्ट के पेशेंट होते हैं वो लोग भी इसको यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं। दोस्तों, जान लेते हैं कुछ ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स जो कि आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, बात करते हैं पहले हेल्थ बेनिफिट के बारे में, वो ये है कि जो गूगल होता है, आप एक लड़के हो एक लड़की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके फेस पर पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, तो उनको ये ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि गूगल के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके एक्ने को, आपके पिंपल्स को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती हैं, काफ़ी हद तक कम कर देती हैं। बात करते हैं दूसरे हेल्थ बेनिफिट के बारे में, वो ये है कि ये आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको अपना वेट लॉस करना है, वजन कम करना है और आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो अपने वेट लॉस को लेकर, तो आप गूगल को यूज़ कर सकते हो, गूगल को खा सकते हो। ये आपका वेट लॉस करने में, वजन को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और साथ ही साथ ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखने में, डाइजेशन को ठीक रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको डाइजेशन की शिकायत रहती है तो आप गूगल यूज़ कर सकते हैं और अपना डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी अच्छा रख सकते हैं। बात करते हैं अगले बड़े हेल्थ बेनिफिट के बारे में, वो ये है कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है या आपकी फैमिली में किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो आप गूगल यूज़ कर सकते हैं। और जब आप गूगल यूज़ करोगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इतना बड़ा हेल्थ बेनिफिट है, जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, बहुत सारे डॉक्टर भी उनको सजेस्ट कर देते हैं कि आप गूगल यूज़ करो। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, आपकी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल की किसी को भी दिक्कत है, तो गूगल यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। दोस्तों, बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में, वो ये है कि अगर आपकी बोन्स वीक है, बोन्स कमज़ोर हैं और उनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है, तो आप 500 mg तक जो है गूगल यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ जितने भी अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, बहुत सारी प्रॉब्लम झेलना पड़ती हैं, तो वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। जितनी भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी या फिर जितनी भी बोन्स वाली प्रॉब्लम है, वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी, काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। अगर आपके जॉइंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको, और ये रिमेटॉइड अर्थराइटिस का भी साइन है, जिससे लोग को काफ़ी दिक्कत रहती है, काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, वो ठीक से खड़े नहीं हो पाते हैं, ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, तो आप गूगल यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये वाली प्रॉब्लम काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी, काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बहुत सारी वुमेन को, बहुत सारी लड़कियों को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, बहुत सारी ऐसी दिक्कत हो जाती है उन लोगों को, तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल यूज़ कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि आपको कितना गूगल यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करना है, जिससे ये वाली प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाए, काफ़ी हद तक कम हो जाए। बात करते हैं अगले बड़े हेल्थ बेनिफिट के बारे में, वो ये है कि बहुत सारे लोगों को स्किन की प्रॉब्लम रहती है, स्किन जो है जली जली रहती है, बेकार सी रहती है, काली पड़ी रहती है, बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स लोग झेलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गूगल का अगर आप पेस्ट यूज़ करते हो या फिर क्रीम वगैरह यूज़ करते हो, तो आपकी जितनी भी स्किन वाली प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी, काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो है डायबिटीज़ के शिकार हैं, शुगर बहुत ज़्यादा रहती है उनकी, तो स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि वो इंसान अगर गूगल यूज़ करता है तो उनकी जो डायबिटीज़ है, उनकी जो शुगर है, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है, काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गूगल होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो अगर आप गूगल यूज़ करते हो तो ये आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में मदद करता है, यानी आपको बीमारी होने से ये प्रोटेक्ट करता है, फ्यूचर में आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी और आप काफ़ी हेल्दी रहोगे, काफ़ी अच्छे रहोगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप गूगल यूज़ करें तो लिमिट में ही यूज़ करें और ज़्यादा इसको यूज़ ना करें। अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो हो सकता है कि आपकी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट हो जाएं, ज़्यादा यूज़ करोगे तो हो सकता है साइड इफ़ेक्ट हो जाएं। आपको लिमिट में ही यूज़ करना है। एक दिन के अंदर करीब 6 से लेके 130 mg तक एक दिन के अंदर यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करोगे तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट झेलने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा यूज़ ना करें। तो अब ये सोचते होगे कि आप इसको कहाँ से परचेज़ कर सकते हो। दोस्तों, आप जो है घर के किसी पास में जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर ईजिली मिल जाता है, वहाँ से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी इसको अगर आप ऑनलाइन बाय करें तो इसको ऑर्गेनिक फॉर्म में ही बाय करना। इसको आप जो है कैप्सूल की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको पाउडर की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, इसको जेली की फॉर्म में भी लोग इसको यूज़
करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको दोस्तों, ऑर्गेनिक ही लेना। हम बात करते हैं कि साइड इफ़ेक्ट की, अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको जो है माइल्ड नौशिया भी हो सकता है और आपका जो है पेट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, पेट ख़राब भी हो सकता है। अगर हम बात करें अगले साइड इफ़ेक्ट की, वो ये है कि इनसे जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है जो वुमेंस के अंदर, उसमें भी उनको दिक्कत आ सकती है या फिर जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इररेगुलरिटीज़ आ सकती हैं। तो दोस्तों लिमिट में ही यूज़ करें, वैसे इतने बड़े कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके बेनिफिट ही मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है, इसको यूज़ करिए और बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी वीडियो लाइक कर दीजिए वीडियो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में ताकि वो भी बहुत ज़्यादा फायदा उठा पाएँ। और आपका कोई सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और आप और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा ब्लॉग पोस्ट पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अपना ख्याल रखना और हमें दुआ में याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।